आपको बांदा लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कालिंजर महोत्सव का शुभारंभ किया है। बधाई देने के लिए आया हूं और इस अवसर पर मैं आप सबके प्रति अपने मंगल में शुभकामनाएं भी व्यक्त कर रहा हूं। भाइयों बहनों, आज प्रातः काल से ही मुझे बांदा जनपद के अनेक कार्यक्रमों में सहभागी बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। राष्ट्रनायक महाराणा प्रताप की मूर्ति का भव्य अनावरण का कार्यक्रम, महाराजा खेत सिंह जुदेव जी की भव्य मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम के बाद अब मुझे नीलकंठ महादेव के इस पावन धरा पर अजय कालिंजर दुर्ग में इस कालिंजर महोत्सव के शुभारंभ का भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए आयोजकों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, ये पूरा क्षेत्र ऋषि मुनियों और दिव्य विभूतियों से जुड़ा हुआ क्षेत्र रहा है। अनेक ऋषियों, सिद्धों ने, संतों ने अपनी पवित्र साधना के माध्यम से इसे पवित्र किया। महर्षि वामदेव भारत की परंपरा के, ऋषि परंपरा के उन्हीं संतों में से एक थे जिनके नाम पर बांदा जनपद बना। यहीं पर बगल में चित्रकूट है। चित्रकूट की महिमा को कौन नहीं जानता है। ऋषि मुनियों और दिव्य विभूतियों से अति प्राचीन काल से जुड़ा हुआ क्षेत्र भगवान राम के वनवास कालखंड का सबसे अभिन्न सहयोगी रहा है। भगवान कामतानाथ का आशीर्वाद जहां पर सदैव प्राप्त होता है। अनेक दिव्य महापुरुषों, ऋषि मुनियों, विदुषियों का वहां पर सानिध्य प्राचीन काल से ही हम सबको प्राप्त होता रहा है। और आज जब मैं बांदा जनपद में आया हूं तो वीरांगना दुर्गावती को कौन विस्मृत कर सकता है। भाइयों बहनों, बांदा के मेडिकल कॉलेज का नामकरण महारानी दुर्गावती जी के नाम पर ही हमारी सरकार ने किया है। महारानी दुर्गावती के नाम पर मैं आप सबको इस अवसर पर कालिंजर महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर हृदय से बधाई देने के लिए आज यहां पर उपस्थित हुआ हूं। हमारा बुंदेलखंड विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़े ये प्रधानमंत्री मोदी जी की हार्दिक इच्छा थी और मुझे प्रसन्नता है जब मुख्यमंत्री 2017 में मैं बना था, पहली यात्रा पे मैं बुंदेलखंड आया था, तब भी श्री स्वतंत्र देव सिंह जी आज जो हमारे जल शक्ति विभाग के मंत्री हैं या मेरे साथ में थे। और तब मैंने कहा था कि बुंदेलखंड को जोड़ने के लिए यहां के विकास की धुरी हम बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनाकर के करेंगे। और आज भाइयों बहनों, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे ने आपकी दूरी को प्रदेश से और देश से कम कर दी है। आज आप यहां से चित्रकूट से बैठेंगे, 5.5 घंटे में दिल्ली पहुंच जाएंगे, जो पहले एक कठिन कार्य था। हम चित्रकूट में यहां से 30 किलोमीटर की दूरी पर ही चित्रकूट में एयरपोर्ट देने जा रहे हैं। डिफेंस कॉरिडोर और जहां पर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे समाप्त हो रहा है वहां से लेकर के चित्रकूट तक उस पूरे भूभाग को लेकर के रक्षा उत्पादन के अनेक इकाइयों को लेकर के डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण की कार्रवाई को करने जा रहे हैं, जहां पर बनी हुई तोपें जब गरजेंगी पाकिस्तान अपने आप ही गायब हो जाएगा। भैया बहनों, बुंदेलखंड पानी के लिए तरसता था, लेकिन अब हर घर नल की योजना से हर घर में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करके यहां की माताओं बहनों का सम्मान भी होगा।
तो केन बेतवा को जोड़ने के साथ ही अर्जुन सहायक जैसी परियोजनाएं जब पूर्ण हुई है और केन बेतवा को जोड़ने के बाद जब ये पूरा कार्य रूप ले लेगा, बुंदेलखंड में पानी की कमी नहीं होगी। ये तो धरती का स्वर्ग बनने जा रहा है, स्वर्ग। और आज उसी श्रृंखला में आज यहां पर सैकड़ों परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम जो हमारे सांसद जी, हमारे विधायक जी, सभी लोगों के परिश्रम और पुरुषार्थ से जिला प्रशासन ने जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य किया है, उनका लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी आज यहां पर संपन्न हो रहा है। भाइयों बहनों, शिवरात्रि के पहले ये शुभ अवसर प्राप्त हो, इससे बढ़कर के और क्या हो सकता है। और इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। इतनी परियोजनाएं आपके बीच आ रही है। अब हमारा बुंदेलखंड पीछे नहीं रहेगा विकास से, कोई उसको पीछे नहीं धकेल सकता। आप तो बुंदेलखंड का ही नंबर है। अभी आपने पिछले एक सप्ताह में लखनऊ में चलने वाले विभिन्न कार्यक्रमों को देखा होगा। पहले हमने उत्तर प्रदेश के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया। आपको मालूम है कितना उसमें हमारे पास प्रस्ताव आए हैं उद्योग लगाने के? लगभग 35 लाख करोड़ रुपए के। 35 लाख करोड़ रुपए देश के अंदर कहीं नहीं इतने प्रस्ताव प्राप्त हुए। और उसमें बुंदेलखंड के लिए भी लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपया है। याद रखना, ये उद्योग जब यहां पे लगेंगे कि हमारे बुंदेलखंड के नौजवानों को नौकरी के लिए देश के अंदर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पे लगे हुए उद्योग में बुंदेलखंड के नौजवानों को नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, उनकी फसल का अच्छा दाम मिलेगा। जो आपकी वन जनपद वन प्रोडक्ट की योजना में सजल पत्थर बांदा की पहचान है और कठिया गेहूं जो यहां की पहचान है, इसका अच्छा दाम यहां के किसानों को मिलेगा, यहां के कारीगरों को प्राप्त होगा। और भाइयों बहनों, इसीलिए आज मैं आपके इस कालिंजर महोत्सव को, जब यहां की माननीय विधायक श्रीमती ओममणि वर्मा जी ने मुझे कहा कि हमारे यहां इस महोत्सव के कार्यक्रम में आपको आना है, माननीय सांसद जी मिले, बांदा के हमारे विधायक जी मिले, श्री रामकेश निषाद जी ने भी कहा, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैंने कहा जरूर मिले। और भाइयों बहनों, आज मैं आपके बीच आया हूं। हम लोगों ने एक प्रयास प्रारंभ किया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, बुंदेलखंड के सभी किलों को जोड़ने के लिए। और मैं तो यहां के प्रशासन से भी कहूंगा, पर्यटन विभाग के साथ बैठ करके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से, एएसआई से, यहां इस पूरे किले को पर्यटन विभाग ले और यहां पर होटल का संचालन करने की तैयारी करें। सभी किलों को जोड़े, पर्यटन विकास की संभावनाओं को आगे बढ़ाएं। आज विकास के लिए पैसे की कमी नहीं है, लेकिन हमारी इच्छा है कि जो किले जर्जर अवस्था की ओर जा रहे हैं, इनके पुनरुद्धार की आवश्यकता है। चंदेल राजाओं ने कभी इन किलों को बना करके अजेय बनाया था। यहां के योद्धाओं ने मिलकर के इस अपने पौरुष और पराक्रम का परिचय दिया था। शेरशाह सूरी जिसने हुमायूं को भागने के लिए मजबूर किया था, इस किले में आकर के पराजित हो गया, अंत में घायल होकर के उनको घायल अवस्था ही उनकी मौत का कारण भी बना। इस प्रकार के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए किलों को फिर से पुनर्जीवित करना, पर्यटन के बेहतर केंद्र के रूप में विकसित करना, यहां के युवाओं को गाइड के रूप में प्रशिक्षित करना, होटल उद्योग बनाकर के रेस्टोरेंट के माध्यम से, होटल के माध्यम से यहां पर व्यापक रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाना, यह आज की आवश्यकता है। और इसीलिए सरकार ने तय किया है कि हम सब यहां के बुंदेलखंड के जितने भी किले हैं, इन किलों को आपस में जोड़ करके बेहतर कनेक्टिविटी के माध्यम से पर्यटन की ढेर सारी संभावनाओं को बुंदेलखंड के अंदर बनाने का कार्य करेंगे। भाइयों बहनों, विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता।
जिन लोगों ने जातिवाद की राजनीति के माध्यम से परिवारवाद को बढ़ावा दिया, बुंदेलखंड के लोगों को भय और दहशत में जीने के लिए मजबूर किया, बुंदेलखंड को बदहाल स्थिति में पहुंचाने का काम किया, यहां के संसाधनों को लूटने का काम किया। भाइयों बहनों, फिर से कभी भी ये परिवारवादी लोग, जातिवादी सोच के लोग, इनकी काली साया भी बुंदेलखंड की ओर न देखने पाए, इसके लिए आपको सतर्क रहना होगा, क्योंकि इनकी काले साया ने बुंदेलखंड के संसाधनों में लूट मचाई, बुंदेलखंड को विकास से वंचित किया। क्या यह बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पहले नहीं बन जाना चाहिए था? क्या यहां डकैतों का सफाया पहले नहीं हो जाना चाहिए था? क्या यहां पर इन किलों को आपस में जोड़ने का कार्य पहले नहीं हो जाना चाहिए था? और क्या आपस में यहां पर जल जीवन मिशन के अंतर्गत हमारी माताओं बहनों की जो पानी की समस्या थी, जो पानी उनको दो दो तीन तीन पांच पांच मील दूर जाकर के पेयजल के लिए अपने सिर में बर्तन रख करके लेके आना पड़ता था, क्या ये पहले नहीं होना चाहिए था? होना चाहिए था। लेकिन भाइयों बहनों, ये परिवारवादी लोग, ये जातिवादी लोग इस सोच के साथ कार्य नहीं कर सकते थे। इनके लिए अपना परिवार ही सब कुछ था, इनको बुंदेलखंड से मतलब नहीं था, प्रदेश से मतलब नहीं था, गरीब से मतलब नहीं था, गांव से मतलब नहीं था, किसान से मतलब नहीं था, महिलाओं से मतलब नहीं था, युवाओं से भी मतलब नहीं था। आज हमारी सरकार तो 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने जा रही है, प्रदेश के अंदर 2 करोड़ 60 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। और यही नहीं, मैंने यहां पर अभी जब देखा है कि यहां पर बुंदेल आखिर अकेले बांदा जनपद में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ कितना मिला है, भाइयों बहनों मैं आपको आंकड़े बताऊंगा, आप भी चौंकेंगे। 88,457 ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध हुए अकेले बांदा जनपद में, और 13,171 आवास हम लोगों ने दिए हैं बांदा और जो अन्य कस्बे हैं उन कस्बों के गरीबों को। और यही नहीं, कोल है, सहरिया है, या जो वंचित परिवार हैं, ऐसे जिनका नाम प्रधानमंत्री आवास की सूची में नहीं आ पाया था, ऐसे 634 परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत भी हम लोगों ने आवास स्वीकृत किए। भाइयों बहनों, जो 1 लाख से अधिक इन गरीबों को यह आवास की सुविधा प्राप्त हुई, क्या सपा बसपा कांग्रेस की सरकारों में ये आवास नहीं मिलना चाहिए था? इनको मिलना चाहिए था, लेकिन इन गरीबों को वंचित रखा गया। 2,27,751 गरीबों के घर में शौचालय बनाए गए, और भाइयों बहनों, अकेले बांदा जनपद में 2,65,783 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा प्रतिवर्ष 6,000 रुपए के रूप में उपलब्ध कराया जा रहा है। और आयुष्मान भारत में 3,03,383 परिवारों को 5 लाख रुपए की सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर प्रतिवर्ष उपलब्ध कराया जा रहा है। पिछले 5 वर्ष में हम लोगों ने 13,595 वृद्धजनों को अतिरिक्त पेंशन की सुविधा दी है, 1,000 रुपया अतिरिक्त उनको उपलब्ध करवाया है, यानी इनको पहले नहीं मिलता था। 2,536 विधवा महिलाओं को, निराश्रित महिलाओं को 1,000 रुपये महीना यानी 12,000 रुपये सालाना पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवाई गई। बांदा में कालिंजर महोत्सव में मुख्यमंत्री का संबोधन आप सुन रहे थे।